वेलकम बच्चों, आप लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे इसे पहचानते होंगे, हो सकता है कई सारे बच्चे इसे नहीं पहचानते होंगे। मैं बतला देता हूं आप लोगों को, यह बिरसा मुंडा का चित्र है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बतला देता हूं। जिस प्रकार हमारे देश का सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे झारखंड राज्य का ये सबसे महान व्यक्ति है और इन्हीं के जन्मदिन पर झारखंड का निर्माण हुआ। ये एक आदिवासी थे और इनके बारे में यह जानकर बहुत ही दुख होगा कि इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 25 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। तो आइए आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाई करेंगे। यह क्लास 5 का हिंदी बुक चैप्टर 2 जंगल का देवता। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। छोटा नागपुर के वन में बिरसा मुंडा अपने मुंडा बंधुओं के साथ विचरण करते थे। अंग्रेज शासक, पादरी और जमींदारी के बुरे व्यवहार के कारण वे दुखी थे। सबको सावधान कर रहे थे, सबको संगठित कर रहे थे। बिरसा मुंडा में नेतृत्व की गुणवत्ता थी। वह लोगों को समझाते थे, लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए सिखाते थे, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। अपने पड़ोस में बीमार परसा के साथ बैठे थे। 3 दिनों से परसा जवर से तप रहा था, जवर उतर नहीं रहा था, इसलिए मिर्सा कुछ पत्ते और छाल लेकर आए थे, काढ़ा तैयार करा रहे थे, परसा को ढाड़स बंधा रहे थे। उस समय में ज़्यादातर दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता था, वे लोग जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। उनका एक मित्र परसा, जो 3 दिनों से बीमार पड़ा हुआ था, उनके लिए दवा का बंदोबस्त कर रहे थे। उसी समय पश्चिम के वन से गोली चलने की आवाज़ आई। 3 बार आवाज़ गूंज उठी, फिर हल्ला होने लगा। बिरसा के कान सतर्क हुए। उस समय अंग्रेज हम लोगों पे जुल्म क्या करते थे, उन्हें जब जो इच्छा करता था वही करते थे। तो जंगलों में घुसकर वो शिकार करते थे या और लोगों को सताते थे। तो बंदूकों से जब गोलियां चलती थी तो लोग चिल्लाने लगते थे। तो ऐसे गोलियों की आवाज़ सुनकर बिरसा मुंडा सतर्क हो गए। अंग्रेज अधिकारी स्थानीय जमींदार के साथ शिकार करने आ गया है, ये हमारे पशुओं का शिकार करेंगे, ऐसा बिरसा मुंडा सोच रहे हैं। मुंडा उराव भाई से बेगारी कराएंगे और फिर इनके अटहास सुनाई पड़ेंगे। अपने वन में भी रहना कठिन हो रहा है। अब इन लोगों के जुल्म गांवों में, शहरों में तो था ही, जंगलों में भी शुरू हो गया था। जंगल अशांत हो उठा। ये पेड़ पौधे अपने हैं, पशु पंछी अपने हैं, हनुमान जी अपने हैं, ये अंग्रेज कहाँ से आ गए, इस प्रकार से बिरसा मुंडा सोच रहे हैं। ये जमींदार अंग्रेजों के सहायक बन गए और वनवासी हाहाकार कर रहे हैं। जमींदारों को अंग्रेज थोड़े पैसे का लालच देकर अपनी ओर मिला लेते थे और आम जनता को, जो कमज़ोर लोग होते थे, उन लोगों को सताया करते थे। आग पर काढ़ा खोल रहा था। बिरसा ने खोलते काढ़े को देखा, मालूम हुआ कि उनके भीतर पीड़ा उभर आई है। मन काढ़े के समान खोल रहा है। वो जो दवा बना रहे थे गर्म करके, उसको देखते हुए उनको लगा कि उनके अंदर भी कोई ज्वाला भभक रही है। बिरसा ने काढ़े को आग पर से उतार दिया। उनके संकेत पर परसा की माँ काढ़े को ठंडा करने लगी। उसी समय 2 मुंडा तीर धनुष लिए द्वार पर आ गए। उधर हल्ला बढ़ता जा रहा था, बिरसा का मन विकल हो रहा था। बिरसा ने परसा की माँ को काढ़ा पिलाने के लिए कह दिया और समझाया कि काढ़ा पीने के बाद पसीना आएगा, फिर जबर कम होने लगेगा। बाहर से आए मुंडा बंधुओं की आंखों में रोष झलक रहा था। बिरसा उनके पास आ गए। एक ने बताया कि अंग्रेजों के शिकार में मनुआ घायल हो गया, उसकी माँ चीख रही है, वे उसके एक छोटे भाई को पकड़ कर ले गए हैं। उनकी माँ हाहाकार करती हुई उधर ही गई। बिरसा के मित्र बतला रहे थे कि मनुआ नाम का कोई व्यक्ति था, जो अंग्रेजों के शिकार करने के दौरान वो घायल हो गया है और उसके छोटे भाई को पकड़कर अंग्रेज लोग ले गए हैं। अंग्रेज लोग हमेशा हिंदुस्तानियों पे जुल्म करते थे, जब जो इच्छा होता था वही कर देते थे। तो उसका एक छोटा भाई था, उसको पकड़ के ले गए। अब उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी और अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए उसके पीछे चली गई थी। बिरसा बोल उठे कि हम भी उधर ही चलेंगे, छोड़ नहीं देंगे। कुछ ही देर में 2500 मुंडा जवान तीर धनुष और भालों से लैस होकर बिरसा के साथ चल पड़े। अब बिरसा एक लीडर की तरह काम कर रहा था। बिरसा जो बोलता था सबको उसकी बातों को मानता था। जब बिरसा ने कहा कि हम भी उधर ही चलेंगे, तो उनके जितने भी साथी थे वो सभी तैयार हो गए और उन लोग भी बिरसा के साथ चल पड़े। मुंडा जवानों ने अंग्रेज़ों को घेर लिया, उनकी बंदूकें बेकार हो गई। मनुआ का भाई मुक्त हुआ, माँ का रुदन बंद हुआ। बिरसा की जय से जंगल गूंज उठा। बिरसा ने कहा, अब जंगल सोया नहीं है, हनुमान को अपनी शक्ति का भान हो गया है।
वन वनवासियों का है। वे अंग्रेज अफसर और अंग्रेज पादरी को नहीं जानते। वे इन विदेशियों के जुल्म को नहीं सहेंगे। जब विरसा अपने मित्रों के साथ अंग्रेजों को घेर लिए तो अंग्रेज लोग उन लोगों के सामने झुक गए और उस बच्चे को छोड़ दिए और उसकी माँ का रोना फिर बंद हो गया और वहाँ पे जंगल में बिरसा की जय जयकार गूंज पड़ी। बिरसा ने अंग्रेजों को यह बतलाया कि अब जंगल सोया नहीं है, कि जंगल के लोग सोए नहीं हैं, अब हनुमान जी की शक्ति हम में आ चुकी है, अब हम लोग आप लोगों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिरसा और उसके साथी जंगल जंगल घूमने लगे। सबको बिरसा का संदेश मिलने लगा। उधर अंग्रेज शासक का आदेश हुआ कि सरकारी ठेकेदार जंगलों से लकड़ी काटेंगे, वनवासी आम कटहल महुआ और केंदू पत्ता भी चुन नहीं सकेंगे, सरकार से अनुमति लेनी होगी। बिरसा के साथी जो उसके साथ काम करते थे, जितने भी आदिवासी लोग थे, उन सभी को संदेश देने लगे कि सबको एक साथ मिलकर रहना है, अंग्रेजों का मुकाबला करना है, क्योंकि वो जब इच्छा होगा उन्हें सताना शुरू कर देंगे। और सरकार का आदेश ही आ गया कि जंगलों की लकड़ियाँ सरकारी ठेकेदार काटेंगे और जंगल में रहने वाले वनवासी किसी प्रकार के पत्ते को भी नहीं चुन पाएंगे, आम कटहल महुआ केंदू इनके पत्ते भी नहीं चुन पाएंगे, बल्कि उसके लिए भी उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। सबने देखा कि सरकारी ठेकेदार जंगल की लकड़ी काटने आ गए हैं। सारे वनवासी क्रोध में आ गए। बिरसा ने सबके साथ बैठकर निर्णय किया। वन वनवासियों का है, उनका जीवन वनों पर निर्भर है, वे सरकार से अनुमति नहीं लेंगे, वे अंग्रेजों को वन की उपज नहीं देंगे। जब ऐसा स्थिति आया, जब सरकारी ठेकेदार जंगल में आ गया लकड़ियाँ काटने के लिए, तो सभी लोग क्रोधित हो गए और एक फैसला किए, वन हमारा है और हमारा जीवन जंगलों पर ही निर्भर करता है, तो हम जंगल से कुछ भी प्राप्त होने वाली चीज़ लेने के लिए सरकार से अनुमति क्यों लेंगे, और यहाँ तक कि यहाँ जो कुछ भी हमें प्राप्त होता जंगल से वो हम सरकार को नहीं देंगे। यह निर्णय जंगल जंगल गूंज उठा। बिरसा ने अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सभी वनवासी को संगठित किया। ढोल के शब्द पर भाले चमकने लगे। बिरसा के नेतृत्व में हजारों वनवासी चाईबासा पहुँच गए और एक प्रकार का क्रांति बिरसा ने शुरू कर दिया। ढोल बजा बजा कर प्रचार करने लगे अंग्रेजों के खिलाफ और एक बहुत बड़ी संख्या में वनवासी लोग चाईबासा पहुँच गए। अंग्रेज अधिकारी विशाल सशस्त्र जुलूस को देखता रह गया। वह इन्हें कुचलने का साहस नहीं कर सका। सभी अपनी सफलता पर प्रसन्न हो लौट गए। साल वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, महुआ आम और कटहल समूह में चुना जाएगा, जो सामने आएगा उसके लिए तीखे तीर होंगे। अब वहाँ पे फैसला किया, जब इतनी बड़ी संख्या में सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ जब अंग्रेज़ों ने देखा उन लोगों को, तो फिर उसके साथ मुकाबला करने के बारे में उन लोगों ने नहीं सोचा और सभी खुशी खुशी वापस लौट आए। वहाँ पे यह निर्णय किया गया कि किसी के भी पत्ते चुने जा सकते हैं और कोई भी वृक्ष काटा नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों पे तीर धनुष से आक्रमण किया जाएगा। उधर अंग्रेज अधिकारी ने राय करके एक निर्णय लिया। अब अंग्रेज अधिकारी कई बार ऐसा होता था कि वे अचानक कोई षड्यंत्र रचते थे और उसको और किसी को पकड़ने का मुहिम रच डालते थे। तो अंग्रेज अधिकारी ने एक योजना बनाई। इसके अनुसार रात के अंधेरे में फौज की एक टुकड़ी ने बिरसा के गाँव को घेर लिया। अब अचानक जो रात में सभी लोग सोए हुए थे और अंग्रेज अधिकारी एक फौज की टुकड़ी ले जाकर के पूरे गांव को घेर लेता है। उठते संभलते कुछ नहीं हो सका। संगीनों के बीच बिरसा मुंडा बंदी बना लिए गए। पर वन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जंगल हमारा है, जंगल का देवता हमारा है। अचानक उस समय सारे लोग जमा नहीं थे और तब तक बिरसा मुंडा को फौजी लोग घेर चुके थे और उसे पकड़ चुके थे और उसे पकड़कर अंग्रेज अधिकारी ले गए। और सभी लोग जुटने के बाद वे लोग नारा लगा रहे थे कि ये जंगल हमारा है और जंगल के देवता हमारा है। जंगल का देवता बिरसा मुंडा को बोल रहे थे, वही उनके लिए देवता के समान था। इसीलिए हम लोग कई जगह लिखा हुआ देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा। उनको आदिवासी लोग भगवान की तरह मानते थे और वाकई में वो ऐसे थे। तो यहाँ पे चैप्टर 2 समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये है चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न शब्दों का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हुए हैं सभी को स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदला दिया गया है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सोचें और बताएं, ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आंसर है। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के निवासी थे। उस समय शासक कौन था? उस समय अंग्रेज शासक था। पश्चिम के जंगल में हल्ला क्यों हुआ? पश्चिम के जंगल में गोली चलने की आवाज़ से हल्ला हुआ। बिरसा ने क्या सोचा? बिरसा ने सोचा कि वे विदेशियों के जुल्म को नहीं सहेंगे। अंग्रेज शासक का क्या आदेश हुआ? अंग्रेज शासक का आदेश हुआ कि सरकारी ठेकेदार जंगलों से लकड़ी काटेंगे, वनवासी आम कटहल महुआ केंदू पत्ता भी नहीं चुन सकेंगे,
सरकार से उन्हें अनुमति लेनी होगी। बिरसा ने क्या निर्णय लिया? बिरसा ने निर्णय लिया कि वन वनवासियों का है, उनका जीवन वनों पर निर्भर है, वे सरकार से अनुमति नहीं लेंगे, वे अंग्रेजों को वन की उपज नहीं देंगे। अंग्रेजों की फौज की एक टुकड़ी ने बिरसा के गांव को घेर लिया। इस प्रकार बिरसा बंदी बना लिए गए। जंगल का देवता किसे कहा गया है? जंगल का देवता बिरसा मुंडा को कहा गया है। और यहाँ पे चैप्टर 2 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर हमारे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।